नवनीत राणा की कल मिली बेल, क्या आज मिलेगी आजादी? राणा दंपति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 12 दिन जेल में रहने के बाद आज उन्हें सलाखों से आजादी मिलने जा रही है। बोरीवली कोर्ट ने राणा दंपति का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है और बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा का जेल और बेल ऑर्डर भाईकला जेल पहुंच चुका है, जिसके बाद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा की रिहाई होगी। नवनीत राणा भाईकला जेल से रिहा होंगी तो वहीं उनके पति रवि राणा को तलोजा जेल से रिहाई मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12 दिन के बाद ये आजादी अब इन्हें नसीब होगी। हालांकि कल कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था जिसमें ये कहा गया था कि दोनों को बेल दी जाती है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद आज शाम तक राणा दंपति को रिहाई मिल जाएगी। आपको बता दें कि नवनीत राणा की तबीयत भी खराब चल रही है, जिस कारण कल उन्हें जेजे अस्पताल भी ले जाया गया था, वहां पर उनके कई टेस्ट हुए थे और आज दोनों शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। हनुमान चालीसा केस में राणा दंपति को कल बेल तो मिल गई लेकिन जेल से रिहाई नहीं हो पाई। सरकारी अड़ंगे इतने लगे कि जेल से रिहाई का ऑर्डर नहीं आ सका। जेल प्रशासन बेल के बाद भी नवनीत राणा का हेल्थ चेकअप कराने में वक्त काटता रहा। राणा समर्थकों का आरोप है कि ये शिवसेना का सियासी बदला है। अब आज दोपहर राणा दंपति जेल से रिहा होंगे और इस रिहाई के लिए उनके घर से लेकर उनके समर्थकों ने जश्न की जबरदस्त तैयारी की है। सेशंस कोर्ट से 12 दिन बाद राणा दंपति को बेल मिली। 23 अप्रैल को दोनों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नवनीत राणा और रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दी थी, जिसके बाद उद्धव सरकार ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने, समुदायों में वैमनस्य पैदा करने और सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाकर दोनों को जेल भेज दिया था। लेकिन कल कोर्ट ने दोनों को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको बता दें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह आ रही कि नवनीत राणा का बेल ऑर्डर भाईकला जेल पहुंच चुका है। नवनीत राणा के वकील बेल ऑर्डर को लेकर जेल पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में नवनीत राणा की भाईकला जेल से रिहाई होगी। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद अब नवनीत राणा के वकील बेल ऑर्डर लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं। भाईकला जेल में मौजूद हैं नवनीत राणा। हमारे दो सहयोगी अतुल सिंह तलोजा जेल से, दिनेश मौर्य भाईकला जेल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार डे वन से ही खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। दिनेश, बेल ऑर्डर पहुंच चुका है, अब किसी भी वक्त नवनीत राणा जेल से बाहर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ प्रक्रियाएं बाकी है जिन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद नवनीत राणा जेल से बाहर आएंगी। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जेल के अंदर सामने आप देखिए बाईं तरफ लीगल टीम के कुछ सदस्य रुके हुए हैं और दाईं तरफ जेल का बेल बॉक्स है और उसी बेल बॉक्स में जो बेल ऑर्डर लाया गया था उस बेल ऑर्डर को अब से कुछ ही देर बाद डाल दिया जाएगा और दोपहर 3:30 बजे इस भाईकला जेल का बेल बॉक्स खोला जाएगा। और उस जेल अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जब बेल बॉक्स खोला जाएगा तो उस बेल बॉक्स में जितने भी रिलीज ऑर्डर होंगे उन तमाम रिलीज ऑर्डर्स को जो डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और उसके बाद एक एक कर जितने भी अंडर ट्रायल आरोपी हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। तो 3:30 बजे बॉक्स खुलने के बाद अगर पहला ही नंबर नवनीत राणा का आता है, अगर उनके सबसे पहले बेल ऑर्डर के पेपर्स अगर जेल अधिकारियों को मिलते हैं तब 3:30 बजे के बाद करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जब इस दौरान जेल के अधिकारी बेल ऑर्डर के तमाम दस्तावेजों की जांच करेंगे और जब उनके सही होने की पुष्टि हो जाएगी उसके बाद नवनीत राणा को छोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत नवनीत राणा को गुजरना है। प्रोसीजर है, इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, शाम तक वो जेल से बाहर आ सकती है। दिनेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हमें तो उसका रुख कर लेते हैं। रवि राणा की रिहाई से पहले जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवी मुंबई की तलोजा जेल के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और SRPF की एक्स्ट्रा टुकड़ी यहां पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है। संवाददाता अतुल सिंह इस वक्त तलोजा जेल के बाहर मौजूद है। अतुल, वहां पर किस तरह के हालात हैं और आखिरकार सुरक्षा बढ़ाने की वजह क्या है? जी देखिए, यहाँ पर ऐसी भी खबरें आ रही थी कि रवि राणा के कुछ समर्थक यहाँ पर पहुँच सकते हैं और शिवसेना के जो
कार्यकर्ता हैं वो जिस दिन इनको यहाँ पर रवि राणा को लाया गया था तो वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ प्रदर्शन भी किया था, तो ऐसे में वो वापस से शिवसैनिक यहाँ पर इकट्ठा ना हो इसको देखते हुए ध्यान देते हुए पुलिस ने सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी है। फिलहाल धूप बहुत तेज है तो गाड़ियां यहाँ पर सिर्फ लगी हुई है, पुलिस वाले यहाँ पर अभी फिलहाल छांव में बैठे हैं। उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये जो पीछे आप देख रहे हैं यही तलुजा जेल का मेन एंट्रेंस है और यहाँ से करीबन 200 मीटर अंदर जाने पर सेंट्रल जो तलुजा जेल है उसकी मेन एंट्रेंस पड़ती है जहां पर वो बेल बॉक्स रखी गई है। लाल कलर की बेल बॉक्स है जिसमें टाइमिंग चार अलग अलग दिए गए हैं, सुबह 5:30 बजे, 11 बजे और दोपहर 2 बजे के बाद सीधे शाम 5 बजे। तो अगर हम देखें एक तरफ जहां भाईकला नवनीत राणा का बेल ऑर्डर पहुंच चुका है और बोरीवली कोर्ट से सेम टाइम पे रवि राणा के लिए भी निकला था लेकिन वो बाय रोड आ रहा है, तो शायद 12 बजे के करीब वहां से जब बेल ऑर्डर निकली है तो यहां एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1:30 से 2:15 बजे के बीच में बेल ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो यानी हम कहें कि 2 बजे का जो टाइमिंग दिया गया है दोबारा बेल बॉक्स खुलने का, उस समय शायद वो जो बेल ऑर्डर है रवि राणा के वो यहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर वो बेल ऑर्डर सबसे पहले रवि राणा का जो डेल के अथॉरिटी हैं उनके हाथ में अगर लग जाता है तो प्रोसेस जो है शुरू कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा और आधे घंटे लग सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोपहर 3 बजे तक ये माना जा सकता है कि रवि राणा जेल से बाहर तलोजा जेल से बाहर आ जाएंगे और यहाँ से उन्हें पुलिस जो है डायरेक्टली लेकर बताया जा रहा है कि वो खार अपने घर पर रवाना हो जाएंगे। जी जी जोशना, तो आपको बता दें कि बीएमसी की एक टीम भी अब फिर से राणा दंपति घर पहुंची है, नवनीत राणा के खार वाले फ्लैट में बीएमसी की टीम पहुंची है। 2 दिन में दूसरी बार बीएमसी की टीम राणा दंपति के घर पर पहुंची है। इससे पहले भी जब टीम यहां पर पहुंची थी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी। राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, इस तरीके से बार बार बीएमसी की टीम का खार स्थित राणा दंपति के घर पर पहुंचना, क्या जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद की जाए? देखिए, फिलहाल बीएमसी का यहाँ पर पहुंचना समझ से परे है जो ना, क्योंकि घर बंद है। कल भी बीएमसी आके यहाँ से गई थी और यही उन्होंने कहा था कि घर बंद है इसलिए वो अंदर इंस्पेक्शन नहीं कर पाए। आज भी मीडिया के जरिए उन्हें पता है कि घर पे राणा दंपति नहीं पहुंचा, उसके बावजूद बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुंची। और जब बीएमसी की टीम बाहर निकल रही थी, अभी कुछ ही मिनटों पहले बाहर निकली है, तो हमने पूछा कि कल आपको पता था फिर भी आप यहाँ पे आए, उन्होंने हमने दूसरा नोटिस दिया है घर पे चिपकाया है। अब वो हमें पत्र लिखकर बताएंगे कि कब वो घर पे अवेलेबल रहेंगे, मौजूद रहेंगे, उस हिसाब से हम पहुंचेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।